विराट कोहली को पाकिस्तानी खिलाड़ी से मिला चैलेंज। वर्ल्ड कप में लगे छक्के पर विराट कोहली पर हैरिस राव ने तीखे तेवर दिखाए हैं। हैरिस राव ने अब विराट कोहली को चुनौती दे दी है। उनके मुताबिक दोबारा वो उन्हें ऐसा छक्का नहीं लगा पाएंगे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैरिस राव ने विराट कोहली पर बड़ा बयान दिया है। वर्ल्ड कप में लगे छक्के पर विराट कोहली पर हैरिस राव ने तीखे तेवर दिखाए हैं। हैरिस राव ने अब विराट कोहली को चुनौती दे दी है। उनके मुताबिक दोबारा वो उन्हें ऐसा छक्का नहीं लगा पाएंगे। उस शॉट को खेलना दोबारा काफी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने हैरिस राव को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में छक्का लगाया था, जिसके बाद टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया था। और अब उसी छक्के को याद करते हुए हैरिस राव ने विराट कोहली पर बड़ा बयान दिया है और उन्हें चुनौती दी है कि दोबारा वो उन्हें ऐसा छक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि उस शॉट को दोबारा खेलना काफी मुश्किल है। हरीश राव ने विराट को दिया चैलेंज, दोबारा छक्का नहीं मार सकते कोहली, वर्ल्ड कप के शॉट्स को किया याद। T20 वर्ल्ड कप 2022 भारतीय टीम के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन टीम इंडिया दो मुकाबले कभी भी नहीं हरा सकती है, एक तो पाकिस्तान के खिलाफ जीत और दूसरा इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की हार। आपको बता दें कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से बाहर हो गई, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में लीग स्टेज के मुकाबले में हराया और वही मुकाबला सभी को याद रहने वाला है। दरअसल इस मुकाबले में भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तब टीम इंडिया ने अपने शुरुआती विकेट को लगातार खो दिया। 31 रन पर टीम इंडिया के 4 विकेट हो गए। 160 के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम के मझदार को विराट कोहली ने पार लगाया। उन्होंने ताबड़तोड़ 82 रन की पारी खेलते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। इसके अलावा जब भारतीय टीम को आखिरी के ओवर्स में लगातार रनों की जरूरत थी तब विराट कोहली ने जबरदस्त शॉट्स खेले और T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर की बेस्ट पारी खेली। बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम को 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। टीम के लिए ज्यादा शॉट्स और बेहतर शॉट्स आना काफी ज्यादा जरूरी था। विराट कोहली इस वक्त क्रीज पर मौजूद थे और सामने पाकिस्तानी गेंदबाज हरीश रावत मौजूद थे। हरीश रावत की ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर विराट कोहली ने जबरदस्त शॉट्स लगाते हुए 2 छक्के बटोरे और टीम इंडिया पर प्रेशर कम किया। बहरहाल आपको बता दें कि हरीश राव के उन शॉट्स को लगातार याद किया जाता है क्योंकि विराट की टाइमिंग और कलाइयों के बेहतर उपयोग के साथ विराट कोहली ने 2 गेंदों पर 12 रन बटोरे थे। बहरहाल बता दें कि अब इस शॉट्स के बाद, इस मैच के बाद हरीश राव ने विराट कोहली को एक बार फिर से चैलेंज दे दिया है। दरअसल एक शो के दौरान हरीश राव पहुंचे, उन्होंने वर्ल्ड कप के इस मुकाबले को याद किया और सीधा कहा कि विराट कोहली दोबारा इस शॉट्स नहीं मार सकते। इस शॉट्स को मारने के लिए आपकी टाइमिंग ज्यादा जरूरी होती है और सबसे बड़ी बात होती है आपकी किस्मत। विराट कोहली की उस वक्त किस्मत थी जब उन्होंने मेरे खिलाफ ये शॉट लगाया। ये शॉट्स रेयर आते हैं और ऐसे शॉट्स को दोबारा नहीं खेला जा सकता है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली अब दोबारा ऐसे शॉट्स नहीं लगा सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बहरहाल आपको बता दें कि जब विराट कोहली ने हरीश राव के खिलाफ 2 छक्के लगातार लगाए थे, उसके बाद इंटरव्यू के दौरान हरीश राव ने कहा था कि मुझे इन शॉट्स से ठेस पहुंची है और ज्यादा ठेस उस वक्त पहुंची जब विराट कोहली के अलावा कोई और शॉट्स मेरे खिलाफ लगा था। इसके अलावा हरीश राव ने विराट कोहली के लिए तब कहा था कि विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे खिलाफ शॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वही अपनी कलाइयों का, अपनी टाइमिंग का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। बहरहाल अब हरीश रावत ने विराट कोहली को एक बार फिर चैलेंज दे दिया है और उन्होंने अब अपनी बात से निपटते हुए कहा है कि विराट कोहली दोबारा इन शॉट्स को नहीं लगा सकते हैं और मेरे खिलाफ खेलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दरअसल विराट कोहली ने साल 2023 का अभी पहला मुकाबला खेला भी नहीं है कि विराट कोहली को एक बड़ा चैलेंज मिल गया है और ये चैलेंज मिला है एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की तरफ से। आपको याद ही होगा कि विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने आराम की मांग की थी, लेकिन अब श्रीलंका के खिलाफ 10 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में विराट कोहली साल 2023 का पहला मुकाबला खेलने उतरेंगे। लेकिन इससे पहले ही विराट कोहली को मिल गया है एक बड़ा चैलेंज। क्या है ये चैलेंज और कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दिया है विराट कोहली को चैलेंज, जिसमें विराट कोहली ने एक धांसू अर्धशतक जड़ा था और टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, वो मुकाबला भी आपके जहन में अभी तक पूरी तरह से ताजा होगा। दरअसल उस मुकाबले में टीम इंडिया मुश्किलों में थी। टीम इंडिया के 30 रन के आसपास ही 4 विकेट गिर गए थे और टीम इंडिया ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को हार जाएगी, लेकिन इस मुकाबले में विराट कोहली ने तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने जबरदस्त पारी खेलते हुए हाफ सेंचुरी लगाई थी। विराट कोहली ने उस मैच में सिर्फ और सिर्फ 53 गेंदों पर नॉट आउट 82 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब था जब विराट कोहली ने हैरिस रॉफ की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जमाए थे। जिस तरीके से विराट कोहली ने हैरिस रॉफ के 19वें ओवर में 2 छक्के लगाए थे और खास तौर पर जिस अंदाज में वो पहला सिक्स लगाया था, लेंथ डिलीवरी को क्रीज से थोड़ा सा बाहर जाकर सामने की तरफ बिल्कुल हवाई फायर जो विराट कोहली ने किया था, वैसे शॉट्स आमतौर पर क्रिकेट के मैदान पर देखने को नहीं मिलते हैं। और अब हैरिस रॉफ ने यही चैलेंज विराट कोहली को दिया है।
क्या चैलेंज दिया है हैरिस रॉफ ने विराट कोहली को, चलिए आपको ये बताते हैं। हैरिस रॉफ ने विराट कोहली के उस सिक्स को याद करते हुए कहा, जब कोहली ने पहला सिक्स लगाया तो जाहिर तौर पर मुझे दुख हुआ, मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोहली अब दोबारा फिर से वो शॉट नहीं लगा पाएगा, कोहली फिर से वो शॉट नहीं खेल पाएगा और इसके पीछे एक खास वजह है। जो क्रिकेट को जानते और समझते हैं उन्हें पता है कि विराट कोहली किस तरह के बल्लेबाज हैं। वो शॉट को खेल चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब वो फिर से वैसा शॉट लगा पाएगा। वो शॉट काफी अलग तरह का शॉट था, उसमें कोहली की टाइमिंग सही हो गई और गेंद सिक्स के लिए चली गई, पर फिर से उनके लिए वो शॉट खेलना काफी मुश्किल होगा। तो देखा आपने किस तरीके से हैरिस रॉफ का मानना है कि विराट कोहली के लिए फिर से वैसा ही शॉट खेलना काफी मुश्किल होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि जाहिर तौर पर हैरिस रॉफ विराट कोहली को यह चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप में दमखम है तो एक बार फिर से उस तरह का शॉट खेल कर दिखाइए। आप यह भी समझ सकते हैं कि हैरिस रॉफ ये कहना चाहते हैं कि उस दिन तुक्के में विराट कोहली ने उस तरह का शॉट खेला था, लेकिन देखिए जिस तरह से भी विराट कोहली ने वो शॉट खेला हो, टीम इंडिया को जीत विराट कोहली ने ही दिलाई थी, क्योंकि एक समय टीम इंडिया मुश्किलों में फंस गई थी। 160 रनों का वो लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। सावनिक्राम, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या कोई और सेलिब्रिटी, खासकर क्रिकेट से रिलेटेड लोग, अपने सोशल मीडिया या फिर मीडिया को दिए जाने वाले किसी भी इंटरव्यू में कोई भी छोटी बात कर लें, भारतीय उसका फौरन बतंगड़ बना देते हैं। गुज़श्त आज से दो रोज पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ ने एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एक बात की थी जिस पर भारतीयों ने बाकायदा रोना धोना डालना शुरू कर दिया है। उनके जितने भी स्पोर्ट्स चैनल हैं उस पर बाकायदा तौर पर पूरी पूरी वीडियोस इंटरव्यूज लगाए जा रहे हैं। हालांकि बात अगर देखी जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ हैरिस रऊफ ने ये कहा था कि विराट कोहली ने मुझे जो छक्का मारा था अब वैसा वो नहीं मार सकता, मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। जबकि यही वो हैरिस रऊफ है जिन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया पर एक इंटरव्यू में विराट कोहली के उस छक्के की तारीफ करते हुए कहा था कि जिस तरह की वो गेंद थी सिर्फ विराट कोहली ही वो शॉट या वो छक्का मार सकते थे, जिस पर भारतीयों ने बड़ा जश्न मनाया था कि विराट कोहली की तो उनके ओपोनेंट भी तारीफ कर रहे हैं। अब जब अपना वर्जन देते हुए हैरिस रऊफ ने सिर्फ इतना कहा कि विराट कोहली अब मुझे उस तरह की बॉल पर या उस तरह का छक्का नहीं मार सकते, तो इस पर भारतीयों ने चीखें मारना शुरू कर दिए हैं, पीटना शुरू कर दिया है। यह है असल औकात भारत के मीडिया की, जो कि छोटी सी छोटी बात को भी कंट्रोवर्सी बना देते हैं, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है, फिर अपने प्लेयर से उस तरह के सवालात किए जाते हैं कि आपके बारे में फलां प्लेयर ने, पाकिस्तानी प्लेयर ने इस तरह की बात की है, आप उसको किस तरह जवाब देंगे। अब उस प्लेयर ने तो सुना नहीं होता कि दूसरे खिलाड़ी ने उसके बारे में क्या बात की है, सुनी सुनाई बात पर वो कोई जवाब दे देता है और इन्हें एक और टीआरपी के लिए स्टंट मिल जाता है, तो वो उसे लेकर एक दो दिन मजीद बड़कबाजी और प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ये है टोटल औकात भारत की मीडिया की। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि सारे मामले में हैरिस रऊफ के बयान पर कैसे चीखें मार रहा है भारत का मीडिया।